साहब, आप भी ना कैसी बातें करते हो। आपने अपने घर में मुझे पनाह दिया, सहारा दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं ना इस कोने यहाँ पे मैं सो जाऊंगी। फिर भी अगर आप नहीं मानोगे और मुझे बोलोगे कि बेड पे सो, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि बेड पे सुला रहे हो, फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर ना मुझे आपकी नीयत पर शक हो जाए। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं अंदर सो जाता हूँ। तुम इस दरवाजे पे कुंडी लगा लेना, ताकि मेरी नीयत भी नहीं बदलेगी और तुम्हें मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। सो जाओ। राज, राज क्या हुआ? राज कुछ नहीं हुआ। क्या होना है? जरा सा कुछ होता नहीं है। क्या हुआ राज, क्या हुआ? बंद करो मेरी फिक्र करना यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं मैं। जब देखो इरिटेट करती रहती हूं मुझे। मैंने शादी क्या कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बनके मेरे गले का फंदा बन जाओगी तुम। राज, ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है राज? मुझे नहीं, तुम्हें हुआ है। इतना बड़ा घर है, घर में इतने सारे लोग हैं, अरे उनसे भी जाके रिश्ते निभाओ ना। जब देखो मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो, मेरा ना दम घुटता है। I need some space, यार, some breathing space. Do you understand? नहीं, ये तुम नहीं बोल रहे हो। मेरा राज ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझसे, जिसे छुपाने के लिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? बंद करो ना ये झूठे प्यार का नाटक यार। बीवी बनने का बहुत शौक है तुम्हें, तो रात को कहाँ गायब हो जाता है ये बीवी वाला प्यार। पति पत्नी एक बेड में सोते हैं, लेकिन मेरी बीवी को उसके पति का बेड नहीं पसंद, मतलब पति ही नहीं पसंद। बहुत हो गया तुम्हारा, बस करो। राज इनफ, अब और नाटक नहीं। थक गया हूं तुम्हारे बहाने सुनते सुनते। सच तो ये है कि तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं है, तो मत आओ ना। आई रियली डोंट गिव अ डैम। ओके, अगर रात में पति और पत्नी का रिश्ता नहीं, तो दिन में भी नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। लगता है राज पे तांत्रिक का असर हो गया है, इसलिए ऐसी बातें, ये झगड़ा। अभी मुझे राज से बात नहीं करनी चाहिए, इसे आराम करने देती हूँ। सॉरी गौरी, मैंने तुमसे इतनी कड़वी बातें कही, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई उससे कहीं ज्यादा मुझे हुई। पर इन छोटी छोटी तकलीफों से बड़ी उस तकलीफ से तो तुम्हें बचा लूंगा ना, जो मेरे अंदर। और इसके लिए मुझे तुम्हें अपने से दूर करना होगा, इतनी दूर कि मेरा साया भी ना पड़े तुम पे।
वरना मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी झुलस के रह जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। सॉरी गौरी, तुम्हें मेरी जिंदगी से मुझसे दूर जाना होगा। राज, तुम चाहे कितना ही दूर करो मुझे अपने आप से, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं तुम्हें कालासुर से मुक्त करके रहूंगी। यह एक पत्नी का वादा है अपने पति से और एक पत्नी की कसम है अपने आप से। अगर घर को कुछ ज्यादा ही अपना समझ लिया है ना, तो माफ करना। वो क्या है ना, जिस घर में मुझे भगवान जी दिख जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी मुझसे कह रहे हैं कि इस घर को अपना ही समझो। आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं आपके लिए ये चाय नाश्ता तो बना ही सकती हूँ ना। गर्मा गर्म चाय पीजिए ना। वैसे साहब, ये चाय नहीं मस्का है। आपने कहा था ना कि आप मुझे नौकरी दिलवा दोगे, तो बस ये समझो कि ये रिश्वत पिला रही हूं मैं आपको। इस चाय में क्या डाला है तुमने? मेरा मतलब है, चाय बहुत अच्छी है। क्या झूठ बोल रहे हैं साहब आप? अगर अच्छी बनी होती ना, तो आप ऐसे एक घूंट पी के छोड़ नहीं देते, बल्कि एक घूंट में पूरी चाय पी जाते। साहब, इतने दूर क्यों खड़े हो साहब? आओ ना, मेरे पास आकर बैठो। आओ, आपने मेरा एक काम तो कर दिया, ठाकुरों के घर तक पहुंचने का रास्ता बता दिया, वही रास्ता जो आपके घर से होके जाता है। बस आप मेरा एक और काम कर दो, ठाकुरों की हवेली दिलवा दो, ठाकुरों के घर में एक नौकरी दिलवा दो, कोई भी काम दिलवा दो मुझे, दासी वाली भी चलेगी। बस मुझे ना ठाकुरायन बनना है। मैं बड़े ठाकुर से बात करके तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। शुक्रिया साहब, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब नाश्ता तो करो। देखो, मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास आपके लिए। क्या हो रहा है? मेरी आंखें गीली, मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? मेरा मकसद मेरे बहुत करीब आ रहा है, बहुत ही जल्द वो शालिग्राम मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो, क्या हो गया? अब होने के लिए बाकी क्या रह गया है? मेरे बेटे के साथ इतना कुछ हो रहा है, अब क्या बाकी है?
ठाकुर जी को छोड़, गौरी के कमरे में जो फोटो है उसे वहां से कैसे लेना है वो सोच, वरना कुछ सोचने के लायक नहीं रहेगी तू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? उमा, मैं राज को देखने जा रहा हूँ, और गौरी के पास जो फोटोग्राफ है ना उसमें वो जो औरत है उसको मुझे देखना है। उमा उमा रोक ठाकुर को रोक, अगर इसने गौरी के कमरे में जाके वो फोटो देख ली तो एक तेरी फोटो लग जाएगी हवेली के दीवार पे और उसके ऊपर होगा एक हार। रोक, जल्दी रोक। सुनिए ना, आप जा कहाँ रहे हैं? गर्मा गर्म नाश्ता पड़ा हुआ है, आप खा लीजिए। मैं जा रही हूँ गौरी के कमरे में, मैं लेके आती हूँ फोटो, ठीक है? उमा, हमारे बेटे और बहू पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। इतनी मुश्किल से तो एक सबूत मिला है, मुझे वो फोटोग्राफ लेके गौरी से उस औरत की फोटो देखनी और तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई। वो फोटोग्राफ लेके मैं सबसे पहले पुलिस के पास जाऊंगा और उसके बाद उस औरत को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम बैठो प्लीज, मैं हो क्या था। अब कौन सा बहाना बना के रोकूं इस ठाकुर को? उमा उमा जल्दी जा, वरना ठाकुर उस फोटो तक पहुंच जाएगा, जा। हॉस्पिटल में जो राज के लिए खून आया था वो खून राज को चढ़ा ही नहीं। कितना दर्द सहा है तुमने मेरे लिए गौरी, हर कदम हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आने वाले वक्त में इस काले सुर का साया तुमसे दूर हो जाए।